सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं, तलाश न कर मुझे ज़मीनों आसमान की गर्दिशों में, तेरे दिल में नहीं तो कहीं नहीं हूँ मैं। इन खूबसूरत बातों के साथ, इन खूबसूरत विचारों के साथ आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का। और आज इस कार्यक्रम के जरिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि टैरो कार्ड होता क्या है, उससे जुड़ा विस्तारपूर्वक जानकारियां लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर सुनीता टैंक जी, जो लगातार इस कार्यक्रम से जुड़कर हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर रही है। हमारे जीवन की, कहा जाए, यदि हमारे जहन में कोई प्रश्न भी है तो उसका उत्तर बड़ी ही सरलता से, बहुत ही खूबसूरती से हमें दे रही है। तो चलिए आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का। और एक विशेष बात भी बता दें, आज इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से यदि आपके जहन में भी कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से स्वागत करेंगे सुनीता जी का। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सुनीता जी, बहुत खूबसूरत जानकारी आपने हमने बताया कि किस प्रकार टैरो कार्ड के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व के विषय में जान सकते हैं। यदि हमारे जहन में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, तो उसके सॉल्यूशन, उसका समाधान उपायों द्वारा किस प्रकार खोजा जा सकता है, आज आप हमें बताएं जी। देखिए, जनरली जब हम रीडिंग करते हैं तो हर क्लाइंट के लिए या जो भी हमारे पास पूछने आते हैं उनके लिए उपाय बिल्कुल अलग निकलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो हर केस में एक रामबाण का काम करते हैं। तो उन्हीं उपायों के बारे में मैं आपको कुछ दर्शाना चाहूँगी, जिसमें रंगों का भी महत्व है और हमारे ग्रहों का भी महत्व है। और अगर हम इन चीज़ों को पूजते हैं तो अनजाने में ही हमारी जो छोटे छोटे हमारी दिक्कतें हैं, हमारी ऑब्स्टेकल्स हैं, छोटी छोटी बाधाएँ हैं, वो जो अनजाने से हमारे पास आती चली जा रही हैं ग्रहों के रूप में भी, वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती हैं। तो कुछ उपाय हैं जो जनरल सभी राशियों पर और सभी लोगों पर, या किसी भी रीडिंग के जरिए अगर हम किसी की भी रीडिंग करते हैं और किसी भी समय में अगर वही दिक्कत आ रही है तो ये उपाय अवश्य ही कार्य करते हैं। मैम, जैसा कि आपने हमें बताया कि सॉल्यूशंस के लिए जैसे लोग आपके पास आते हैं, तो क्या वो सॉल्यूशन कार्ड के माध्यम से आप बताती हैं, फिर नाम की प्रेडिक्शन द्वारा बताती हैं? जी, टैरो रीडिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन रोल इंट्यूशन का भी होता है जी, नाम से ज़्यादा या किसी के डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा, क्योंकि आप समझती हैं नाम भी कॉमन हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी कॉमन हो सकती है और समय भी कॉमन हो सकता है। रीडिंग के द्वारा जब आप किसी को उपाय बताते हैं तो वो यूनिक उपाय होता है। यूनिक का अर्थ है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो उपाय निकलता है, और लगभग अगर हम 10 रीडिंग कर रहे हैं तो 10 ही लोगों के लिए अलग अलग उपाय बिल्कुल निकलते हैं। हाँ, कुछ उपाय ज़रूर हैं जो सारे ही केसेस में कॉमन होते हैं, उसके बारे में मैं आपको 3-4 उपाय ऐसे बताती हूँ जो सारे ही केसेस पर इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसका जीवन एक उजाले में नहीं आ रहा है, उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, उसको उसके कार्य के लिए उत्साहित नहीं किया जा रहा, तो वो अवश्य सूर्य को ज़रूर जल दे। लेकिन सूर्य को जब वो जल दे तो प्रार्थना ज़रूर साथ में जारी रखे कि उसके आने वाले, उसके फेम के मध्य या उसके कार्य में, कार्य क्षेत्र में अगर उसे प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, उसमें आने वाले जो भी बाधाएं हैं, वो जब जल प्रदान कर रहा हो सूर्य देवता को, सूर्य को 12 बजे से पहले स्नान करने के पश्चात, तो वो उस प्रार्थना को जारी रखें। किसी भी उपाय को करते समय सिर्फ उपाय नहीं करना है, उस उपाय को फील करना है और अपनी प्रार्थना साथ में बिल्कुल निरंतर, वो प्रार्थना हमें बिल्कुल ऑन ही रखनी है। कहा जाए परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करे जी, परमेश्वर की कृपा होगी तो ही हमारा सॉल्यूशन या उपाय कार्य करेगा। प्रभु की कृपा से ही उपाय में चमत्कार की हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं जी। मैम, कई बार हम देखते हैं व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और इतना परिश्रम करता है लेकिन उसके अनुरूप उसको फल नहीं मिलता है। देवी देवताओं का भी जप करता है, उनका ध्यान करता है, वास्तविकता में यहाँ पर भाग्य क्या कार्य करता है, ये भी आप हमें बताएं जी। देखिए, भाग्य एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
अगर भाग्य में आपको लिखा है कि बहुत बड़े पत्थर से टकराना है तो आप टकराएंगे ज़रूर, लेकिन अगर कर्म शुद्धर हो तो वो पत्थर कंकर का रूप ले लेते हैं। उसी प्रकार हम अपने पहले वाले कर्मों को ना सुधार सकते हैं और ना पहले वाले कर्म हमें याद रहते हैं। पहले के जितने भी हमारे कर्म हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों चाहे इस जन्म में, बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग नहीं मानते। तो जब भी आप अपने जीवन को सुधार की कोशिश करें या आप सोचें कि अब मैं ये उपाय करूंगा या अब मैं ये उपाय करूंगी तो अब मेरा जीवन सुधरेगा, तो पहले जो घटित हो चुका है कृपया उसे वहीं पर रोक लगा दीजिए, तभी वो उपाय आगे की तरफ आपको एक अच्छा चमत्कारी रूप देगा। अगर आप उपाय करते समय पिछला ही याद करते जाएंगे तो उस उपाय करने का कोई अर्थ ही नहीं है। उपाय करने से पहले ये आवश्यक है कि आप अपने आप को सरेंडर करें और जो हो चुका है उसे पूर्ण विराम वहीं दे दें। एक बार अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि आपके जहन में कोई प्रश्न है, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडेंट नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज चाहते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडीज फ्लैश हो रही है, आप तुरंत उन्हीं आईडीज पर संपर्क करके भी विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि सुनीता जी, आज आप हमें उपायों के विषय में बता रही, तो जिन लोगों के कारोबार नहीं चल रहे हैं, चलते चलते बिजनेस जिन लोगों के ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष उपाय बताएंगी, आप हमें बताएं। जी, एक उपाय जो मेरे सारे ही केसेस में बहुत ही, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, वो ये है कि अगर आपका कोई भी कार्य नहीं चल रहा या अगर आपको लग रहा है कि आपकी शादी की संभावनाएं बन रही हैं लेकिन फिर भी कोई रिश्ता तय नहीं हो रहा है, तो ये एक कॉमन उपाय है जो किसी भी प्रकार की रुकावट के लिए, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो नई नौकरी मिलने में हो, चाहे वो दूसरी नौकरी बदलने के लिए हो, चाहे वो रिश्ता जुड़ने में दिक्कतों का आप सामना कर रहे हो, ये एक उपाय आप सभी अगर नोट करें और इसे लगातार अगर आप 40 40 40 दिन के गैप पर करते जाएं लगातार, तो आपको ये उपाय ज़रूर फल देगा। इस उपाय का मिश्रण है एक जो आप नोट कर लें प्लीज़। आधा किलो चीनी, उसमें आप 250 ग्राम काले तिल मिलाएं और 250 ग्राम टूटे चावल, टूटे चावल जनरली वो होते हैं जो जैसे हम चिड़ियों को दाना देते हैं, वो चावल आप डाल सकते हैं, इसका मिश्रण बना के आप रख लीजिए और इस मिश्रण को रोज़ एक मुट्ठी आपको कहीं भी पेड़ पौधों या घास में डालना है। कृपया ध्यान दें कि आप ये मिश्रण किसी भी कीमत पर अपने घर के पौधे में नहीं डालेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी फिर आपके घर तक ही सीमित रह जाएगी। आपको लग रहा है आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो सामने कोई पार्क होगा, कोई घास होगा जहाँ चींटियाँ मकोड़े सब होंगे, या अगर आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे आएंगे तो थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा और मिश्रण को कहीं ऐसी जगह पर डालना होगा जहाँ पर आपको चींटी मकोड़े नजर आए। रोज़ एक मुट्ठी इस मिश्रण को डालना है। लगभग ये एक किलो का मिश्रण एक महीना आराम से चलता है। 40 दिन आप इस मिश्रण को लगातार एक एक मुट्ठी के रूप में डालते जाइए और आप ये प्रतीत करेंगे कि लगातार इस उपाय को 2-3 महीने करने के बाद आपके रास्ते खुलना शुरू होंगे, आपको उम्मीद की किरण नजर आएगी और धीरे 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 आप अपने कार्य बनने की प्रगति पर चलते जाएंगे। सुनीता जी, बहुत खूबसूरत जानकारी आपने दी। कॉलर भी लेंगे हमारे साथ जी। अमजद जी जुड़े हैं, दिल्ली से हैं। अमजद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, बताएं क्या प्रश्न है आपका। जी, मेरा नाम अमजद है और मैं दिल्ली से हूँ और मैम मेरा एक सवाल है अपने जीवन को लेकर। जी मैम, मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि मैं कैरियर में अपने आने वाले जीवन में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब मेरे फ्यूचर में बिजनेस कितना महत्वपूर्ण रहेगा या सूट नहीं करेगा या नहीं, या उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैम कृपया बताएं आप। जी बताएं। अमजद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बिजनेस तो आप सोच ही रहे हैं, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगी। मैं चेक करूँगी कि आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें कितने आप सफल रहेंगे या अभी आपके लिए नौकरी ही ठीक रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैरो कार्ड रीडिंग में इंट्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और स्पेशली उनके लिए जो प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर होते हैं, जो बहुत समय से कर रहे होते हैं। जैसे ही आपने अपना प्रश्न किया तो कुछ वाइब्रेशंस आपकी मुझ तक प्रभु की कृपा से पहुंची है। मेरी प्रार्थना आपसे ये रहेगी कि आप कोई भी कार्य करें, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे वो करियर करें, चाहे वो जॉब करें, आपके अंदर अपने ऊपर विश्वास की कमी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आपको पहले कार्य करना होगा, जिसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा भी उपाय भी बताऊंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप करें,
जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से जो प्रभु ने मुझे एक मैसेज दिया आपके लिए वो ये है कि आप कोई भी कार्य करने से पहले शक कर रहे हैं अपने ऊपर। आप अपने ऊपर शक कृपया ना करें और किसी भी कार्य को प्लीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ाएं और पूरी जानकारी लेकर ही बढ़ाएं। कोई भी आधी अधूरी जानकारी के बेस पर अपना बिजनेस ना करें और जब आपके पास पूरी जानकारी आ जाए तो प्रार्थना मेरी वही रहेगी कि आप शक ना करें अपने ऊपर। आप बीच रास्ते अपने ऊपर शक करते हैं जिससे आपके रिजल्ट्स में गैप आना शुरू हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम आपके क्वेश्चन की तरफ। आपने ये पूछा कि क्या आपका बिजनेस सफल रहेगा। बिजनेस के साथ साथ मुझे जो प्रतीत हो रहा है आपकी रीडिंग से पहले कि अभी आपको कुछ समय लगभग 4 से 5 साल आपको प्लीज़ अपना जॉब और करियर पे भी ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। ये हम देखते हैं कि इनका बिजनेस पहले कैसा रहेगा। जी, कंपेयर करेंगे कि इनका जॉब से इनको कब तक सफलता रहेगी। सुनीता जी, 3 कार्ड्स निकालते हैं, 4 कार्ड्स निकालते हैं, काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो 2 कार्ड्स भी निकालते हैं। जी, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, 3 कार्ड निकालना इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा फ्रूटफुल या रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है कि हम 3 कार्ड के जरिए ये बता पाते हैं कि पहले क्या चल रहा था, अभी क्या है और आगे क्या होगा। जी, 2 कार्ड्स में हम सिर्फ अभी और आगे का बता सकते हैं और 4 कार्ड जो होते हैं वो जनरली 3 कार्ड होते हैं और 4th कार्ड जो होता है वो क्लेरिफायर कार्ड होता है। क्लेरिफायर मतलब अगर उस 3 कार्ड के जरिए हमें कुछ और ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी और कुछ और सूचना हमें टैरो कार्ड्स देना चाह रहे हैं, वो 4th कार्ड हमें उसमें मदद देता है। जी, बताएं। तो पहले हम देखते हैं कि इनका बिजनेस कैसा रहेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जॉब में आपको क्या दिक्कत आ रही है। आपके कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके बिजनेस के कार्ड बहुत ही अच्छे हैं और आपके जॉब के कार्ड्स में मुझे दिख रहा है कि आप जो भी कार्य अभी कर रहे हैं उसमें पूर्ण तरीके से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, आप जो भी कर रहे हैं उसमें ये साफ प्रतीत हो रहा है कि आप खुलकर सामने नहीं आते हैं। आपको किसी से कोई भी बात करनी है या अपने विचार प्रकट करने हैं या आपकी जो सोच चल रही है, आप मेहनती पूरे हैं और मिलकर काम करते हैं, ये आपकी USP है। USP मतलब आपकी खासियत है कि आप मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं और कर्म प्रधान हैं। आप काम ज़रूर अपना अच्छे से करते हैं लेकिन आप अपने विचारों को, मैं फिर वही कहूँगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस या अपने ऊपर डाउट की वजह से आप खुलकर नहीं बोल पाते। तो आपके बिजनेस के कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, जिसको मैं हमेशा प्राथमिकता देती हूँ रीडिंग से पहले, अभी आप 3-5 साल आप प्लीज़ अपने जॉब को या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको साथ साथ चला रहे हैं। मीनवाइल आप इन्फॉर्मेशन पता रखें लेकिन जब भी आप बिजनेस करेंगे वो बहुत ही अच्छा चलेगा और सेटल्ड होगा। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आप विस्तारपूर्वक जानकारी लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल पे लगातार हमारी ईमेल आईडीज आ रही हैं। आप ईमेल आईडी के माध्यम से जुड़कर भी अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। नूडल्स? नो जंक फूड जी। करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर सुनीता टैंक जी। एक बार फिर से बता दें, यदि आपके जहन में भी कोई प्रश्न है, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकती हैं। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तारपूर्वक जानकारी लेना चाहते हैं, आपके जहन में कोई क्वारीज है, नीचे
स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप तुरंत उन्हें नंबरों पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से स्वागत करेंगे सुनीता जी का। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता जी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे जहन में, जानना चाहेंगे, बहुत सारी जानकारियां आपसे लेना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक कॉलर, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, बताएं क्या प्रश्न है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, मैं भूमिका बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी बताएं भूमिका जी, क्या प्रश्न है आपका। मैं अपने बच्चे के बारे में बात करना चाहती हूँ, उसके शिक्षा के बारे में और उसका आगे करियर कैसा रहेगा। जी जी बताएं सुनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद भूमिका जी आपके क्वेश्चन का। रीडिंग से पहले जैसा कि मेरे प्रैक्टिस का जो मेरा तरीका है वो ये है, आपके लिए भी एक छोटा सा मैसेज जो आया है मैं आपको प्रभु कृपा से ज़रूर देना चाहूँगी। कृपया अपने बच्चे को जीवन में आप कंपेयर मत करिएगा। आप हमेशा, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे, पर मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप मेरी किसी भी बात को प्रभु का मैसेज लेके, उनकी प्रार्थना लेकर स्वीकार करेंगे तो फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। जीवन में आप ये ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की प्रगति पर ही आपका केंद्र बने। आप जिस दिन अपने बच्चे को कंपेयर करेंगी किसी भी रूप में, उस समय आपको अपनी ही मेहनत का फल कम मिलेगा। ये बात मेरी प्रार्थना है आपसे, आप जीवन भर याद रखिएगा, आपका बच्चा जितना खाए, जितना सोए, जितना पढ़े, वो किसी भी रूप में जीवन में आगे बढ़े, आप उसमें इम्प्रूवमेंट देखने की कोशिश करिएगा, बजाय आप उसको कंपेयर करिएगा, जो कि आप करेंगी। इसीलिए मेरी प्रार्थना है रीडिंग से पहले कि आप ये मेरी एक उपाय को, इसे आप उपाय समझ के मेरी प्रार्थना रहेगी कि इसे अपने जीवन में ढालने की अवश्य कोशिश करिएगा। बच्चे का नाम मैं जानना चाहूँगी, क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम बताएं कृपया। अर्णव कपूर। अर्णव कपूर। अर्णव कपूर। और डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे का? 18 मई 2015। ठीक है अर्णव कपूर, आप क्या जानना चाहती हैं इसके विषय में खास? मैम इसकी शिक्षा कैसी रहेगी आगे चल के? फिर से एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कार्ड्स खोलने से पहले, आपका बच्चा जितना आप उम्मीद करेंगी एवरेज रहेगा और उससे बेहतर करेगा, लेकिन प्रोत्साहन, जब आपने अपने बच्चे को कहा कि तुम ठीक करके नहीं आए, विश्वास मानिए वो वहाँ से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। प्रार्थना है कि अगर आपको लगता है कि वो कभी भी जीवन में बहुत अच्छा करके नहीं आया, आप वहीं रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र से काम लीजिएगा और उसी समय चाहे थोड़ी देर बाद ही उससे बात करें, उसे ये ज़रूर कहिएगा कि तुम बहुत अच्छा करके आए हो, अब इससे ज़्यादा अच्छा करना, क्योंकि आपका बच्चा थोड़ा सा अपने माता पिता से, खासकर अपनी माता से डर रखेगा। एक बच्चा तभी पनपता है, एक फूल है वो, जितना उसे प्यार से संभालेंगे वो उतना ही खिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसे पनपने दीजिएगा, और कहीं आपको लगता है कि उसने ठीक नहीं किया, थोड़े समय बाद उसकी प्रोत्साहन की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अब बढ़ते हैं उसके कार्ड्स की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बच्चा आपका बहुत अच्छा करेगा, प्रोत्साहन देती रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा करेगा, और पढ़ाई के अलावा ये कई और चीज़ों में भी बहुत अच्छा करेगा, जैसे कि आर्ट वर्क में, ड्राइंग में, आर्ट वर्क में ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा। और थोड़ा सा 13-14 साल की उम्र के आसपास, 13-14 साल की उम्र तक ये बच्चा एवरेज रहेगा, और उसके बाद उसकी जितनी भी टैलेंट है, जितने भी उसमें क्वालिटीज़ हैं, वो उजागर होनी ज़्यादा शुरू रहेंगी। तो कृपया ध्यान दें 13-14 साल की उम्र तक उसे सिर्फ पनपने देना है, और 14 साल की उम्र के बाद ही उससे एक्सपेक्ट करना है कि अब वो जीवन में ज़्यादा अच्छा करे। जी जी बहुत सुंदर। जैसा कि आज जो हमारा कार्यक्रम था उपायों से जुड़ा हुआ था जी, तो जैसा कि आपने हमें बताया जिन लोगों के कारोबार नहीं चल रहे हैं या बिजनेस में जिन लोगों को लॉस हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत उपाय आपने बताया, जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वो क्या कुछ विशेष करें? जी देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे रिश्ते आते हैं लेकिन कोई पसंद नहीं आता, और कई बार ऐसा होता है कि पसंद आने वाला होता है तो हमारी बात नहीं बनती। अगर इस प्रकार की आपको दिक्कत बार बार आ रही है, शिव आराधना से बढ़कर कुछ नहीं है। शिव और पार्वती की आराधना करें, और जिस स्वरूप का आप अपना जीवन साथी चाहेंगे उस स्वरूप में आपको जीवन साथी मिलना शुरू होगा। इसके साथ एक प्रार्थना मैं आपको देना चाहूँगी जिसे कहते हैं एफर्मेशंस। एफर्मेशंस होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रेयर जो हम लगातार
पूरे दिन में 10-12 बार, 15 बार, 21 बार, 51 बार रिपीट करते हैं। ज़रूरी नहीं उसके लिए हमें एक जगह ही बैठना हो, जब भी जीवन में या जब भी पूरे दिन में हमारे पास समय खाली हो, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का, तो हम वो एफर्मेशंस कर सकते हैं। और ये एफर्मेशन जब हम रोज़ करेंगे तो हमें बहुत ही लाभ होगा। तो एक उपाय ये है कि आप शिव और पार्वती की आराधना शुरू करें। इसी से मिलता जुलता एक उपाय बहुत है जो मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के केसेस में देखा है, जिसमें असीम कृपा हुई है माता रानी की। हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को शाम के समय माता रानी के पास आप दिया जलाएं, 11 बार 11 शुक्रवार इसको लगातार करें, और जीवन में जो छोटी रुकावटें आ रही हैं कि आपको मन चाहा वर मिल नहीं रहा और मन चाहा वर मिल रहा है और बात नहीं हो पा रही, इन दोनों ही उपायों को करने से आपकी वो प्रार्थना प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे। उपायों के संदर्भ में आज हम आपसे जान रहे हैं सुनीता जी, और तीसरा जो उपाय हम जानना चाहेंगे वो उन महिलाओं के लिए होगा जिनको संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आ रही हैं या जिनकी संतान नहीं हो पा रही है, वो क्या कुछ विशेष करें। जी देखिए, आप ये एक प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है कि हम हमेशा किसी ने कुछ बताया तो हमने थोड़े दिन ये उपाय कर लिया, फिर किसी ने कुछ और बताया हमने थोड़े दिन वो उपाय कर लिया, फिर हम किसी के पास चले गए हमने उसका उपाय कर लिया। एक ही तरह के का उपाय और एक ही आप प्रार्थना करेंगे प्रभु वो जल्दी सुनते हैं। सारे उपाय, सारे प्रार्थना जानी उस प्रभु के पास ही है। प्रभु अच्छी तरह जानता है कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो विश्वास, जिसके पास भी आप जाएं या कोई भी उपाय मेरे बताने के बाद भी अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी प्रार्थना के रूप में आप मुझे विश्वास दें। विश्वास अगर आप रखेंगे किसी एक पर्टिकुलर उपाय पे तो वो आपको फल ज़रूर देगा, उस उपाय से आप डगमगाएं नहीं। दुर्गा सप्तऋषि का पाठ बहुत ही लाभदायक है, आप लगातार उसे करें। या अगर आप किसी विशेष प्रभु की शरण में हैं, अगर नहीं है तो उसके लिए भी एक उपाय है जो कि इस सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। जब भी आप मंदिर जाते हैं, आप ये देखेंगे कि मंदिर में अनेक प्रकार की मूर्तियाँ हैं। आप सारी मूर्तियों के पास जाइए और जिस मूर्ति के पास जाने से आपको सबसे ज़्यादा मन की शांति और सुकून मिलता है, समझिए वही आपके उपाय का केंद्र है। उस मूर्ति के पास, उस प्रभु के पास, उस आइडल के पास आप डेली डेली जब भी पूरे दिन में समय मिले आप अवश्य जाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए और लगातार जाते जाइए और उस प्रभु को या उस देवी देवता के प्रार्थना में आप अपनी थोड़ी सी श्रद्धा मिलाएं और कहें कि प्रभु मैं आपके पास ही आ रही हूँ, अब आपको संतान सुख देना, मुझे संतान सुख देना अब आपका कार्य है। आप लगातार जाते रहिए, पर ध्यान रखिएगा किसी के कहने में उस उपाय को छोड़ मत दीजिएगा और अवश्य आपको संतान सुख प्राप्त होगा। सुनीता जी बहुत ही खूबसूरत जानकारियाँ, साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत उपाय आज इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें और हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते एक बार फिर से बता दें, यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाया हो, संपर्क नहीं हो पाया हो, आपके जहन में भी कोई प्रश्न हो, कोई क्वारीज हैं कार्यक्रम के अंत में, आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।